सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मंत्री सरयू राय का गृह क्षेत्र जमशेदपुर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां से सूबे की सत्ता का मिजाज न सिर्फ तय होता है बल्कि इन्हीं रास्तों से चलकर सूबे की सत्ता की कमान भी संभाली जाती है। पार्टी प्रत्याशी के चुनावी प्रचार के लिए आए मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि भाजपा जमशेदपुर संसदीय सीट पर जीत दर्ज करने को गंभीरता से ले रही है। साथ ही कहा कि जनता ने मिलावटी महागठबंधन को नकार दिया है, तो उसमें कहीं अपना जमशेदपुर का जो सीट है वो कहीं पीछे नहीं रहने वाला और ऐतिहासिक अंतर से विजय प्राप्त करेंगे और कहीं भी विपक्ष का कोई भी एलिगेशन जो उनका अलायंस है उसके प्रत्याशी कहीं भी नहीं टिकने वाले हैं। कर सकते हैं जिसको महामिलावट का गठबंधन कर सकते हैं। ये सारे सारे एक प्रयास है इस जनता के मूव को रोकने के लिए। ये मूव मोदी जी का नहीं है, जनता का मूव है और जनता ने मोदी जी को एक हेतु के रूप में एक हम कह सकते हैं नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं ये जितना महागठबंधन के लोग हैं इसको रोकने के लिए एक प्रयास में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका ये प्रयास सफल होगा। हालांकि भाजपा की जीत के दावों को महागठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि एजेंडा विहीन भाजपा को हार का भय सता रहा है और पिछले 5 सालों में भाजपा जनता की कसौटी पर खरा उतर पाने में विफल साबित हुई है। देखिए वो क्या करने जा रहा है, नहीं करने जा रहा है, उसका भयभीत पैदा हो गया। बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं रहा है अभी, न मजदूर की है न दलित के लिए है उनके पास। वो सिर्फ ऐसा भाषण दे रहा है ताकि जनता उससे आप खुश नहीं होने वाला है। 5 साल में आप बेरोजगार के लिए कोई सोचा ही नहीं, अभी भी आप वोट प्रचार करने जरा बेरोजगार का चर्चा नहीं करते हैं। इस बार का चुनावी जंग में सियासी दल डोर टू डोर सघन कैंपेन और पदयात्रा के अलावा अलग अलग तरीकों से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। कुछ ऐसा ही डेमो जेएमएम के चुनावी कार्यालय में देखने को मिला। जब कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे जादूगर ने जेएमएम कार्यालय में अपनी जादूगरी दिखाकर पक्ष में प्रचार करने की अनुमति मांगी। अपनी जुबान खोलेगा और चंद बातें बोलेगा कि आने वाली तारीख को क्या निशान है, क्या चीन है, हमें किस पर मोहर लगाना चाहिए, कौन हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। तो दोस्तों और मतदाता भाइयों, माताएं बहनों, ये कपड़ा बताएगा कि आने वाली तारीख को क्या निशान है, 12 तारीख को हमको किसको विजय करना है, यही कपड़ा बताएगा। बिल्कुल खाली झोला और खाली पैकेट बंद किया। तो मतदाता साथियों और माताएं बहनों, सभी को वाह भाई वाह, इस बार कपड़े ने भी अपना कलर बदल दिया है, वो भी कहने लगा है वारे तीर आ गई तीर। तो दोस्तों और मतदाता भाइयों, माताएं बहनों, यही तीर निशान है आपका हमारा, और भारी से भारी बहुमतों से विजय बनाना है, यही तीर छाप पे हमारा मोहर लगाना है। और उसके साथ कांग्रेस हमारी पार्टी, आपकी हमारी पार्टी है। तो दोस्तों और मतदाता भाइयों, माताएं बहनों, आप हम सब जागरूक हो जाएं, इस बार तीर छाप का ही बटन दबाएं और भारी से भारी बहुमतों से विजय बनाएं। नल, बिजली, पानी, राशन कार्ड, साफ सफाई, जल्दी अंदर हाथ डाल के निकालो। वारे तीर आ गई, तीर छा गई, तीर निकालो, तीर छाप निकालो। नहीं है छोड़ो, वाह भाई वाह। सर देखो वाला, सर निकाल के दिखाइए सभी को, ये क्या है, रुकने वाला नहीं है इस बार रुकने वाला नहीं है। तो कहने वाले जल्दी अंदर हाथ डालो, निकाल के बताओ सभी को। तो कहने वाले ने सच कहा है कि तीर निशान आएगा ना चून के, तो विकास भी लाएगा ढूंढ के। तो दोस्तों और मतदाता भाइयों, माताएं बहनों, आप हम सब जागरूक, जल्दी अंदर हाथ डालो। नहीं है ये तीर निशान है, ईमानदारों के हाथ में आता है, बेईमानों के हाथ में नहीं आता है। निकालिए ना दादा, निकालिए दादा, निकालिए, अरे निकालिए ना दादा। यही है दोस्तों और मतदाता भाइयों, माताएं बहनों, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, विकास की गंगा झारखंड पार्टी बाती और कोई नहीं। तो दोस्तों और मतदाता भाइयों, माताएं बहनों, अब देखना है कि सियासी दल अपनी जीत को लेकर चुनावी प्रचार से जीत हासिल करेंगे या नहीं।
इसका जवाब तो 23 मई को ही मिलेगा और चुनावी परिणाम से ये भी पता चलेगा कि आखिर किसका जादू कितना सिर चढ़कर बोला। जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।